रहीम स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये एक थ्योरम है कि होमोमार्फिक इमेज ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइकिल होमोमार्फिक अच्छा अब अच्छा, सब सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो साइक्लिक ग्रुप पढ़ चुके हैं साइक्लिक ग्रुप स्टूडेंट्स कौन से ग्रुप्स होते हैं ये वो ग्रुप्स होते हैं जो सिंगल एलिमेंट से जनरेट होते हैं यानी कि वो ग्रुप्स जो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हों उनको क्या कहते हैं उनको साइक्लिक कहते हैं तो दी होमोमार्फिक इमेज ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक तो इसके अंदर फिर बेसिकली हमें क्या प्रूव करना है हमें यह प्रूव करना है कि अगर किसी साइक्लिक ग्रुप की होमोमार्फिक इमेज ली जाए होमोमार्फिक इमेज का मतलब ये है कि वो इमेज जो अंडर दी होमोमार्फिक फंक्शन आती है ठीक है होमोमार्फिज़म आती है वो भी साइक्लिक होती है मीन्स कि वो भी सिंगल एलिमेंट से जनरेट होती है वो उसके सारे एलिमेंट्स जो है किसी एक एलिमेंट्स के पावर होते हैं उसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं किसी एक एलिमेंट की जो है वो क्या होते हैं पावर होती हैं तो सबसे पहले तो हम ये कंसिडर करते हैं एक साइक्लिक ग्रुप कंसिडर करते हैं तो लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप और जब भी आप साइक्लिक ग्रुप की बात करेंगे तो आप साथ लिखोगे कि ये किस एलिमेंट से जनरेट हो रहा है तो लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए यानी कि ये एक साइक्लिक ग्रुप है और ये साइक्लिक ग्रुप किससे जनरेट हो रहा है ए एलिमेंट से जनरेट हो रहा है फिर ये कौन सी इमेज है होमोमार्फिक इमेज है तो इसका मतलब हमने एक होमोमार्फिजम डिफाइन करनी है हमने क्या करना है एक होमोमार्फिज्म जो है वो डिफाइन करनी है तो हम लेट का लेते हैं लेट फाइ फाई जी टू जी प्राइम यानी कि हमने एक और सेट ले लिया जी प्राइम बी ए बी ए होमोमारफिजम होमोमारफिजम हमने जो है वो एक मैपिंग ली जो मैपिंग क्या है होमोमॉर्फिज्म है ठीक है और फिर हमें क्या शो करना है इसकी जो होमोमॉर्फिक इमेज है अब होमोमॉर्फिक इमेज क्या होगी जो फाई ऑफ जी है जो फाई ऑफ जी है दैट इज द होमोमार्फिक इमेज तो बी ए होमोमार्फिजम देन वी हैव टू शो दैट देन वी हैव टू शो दैट हम जो है क्या जो है वो शो करेंगे द होमोमार्फिक इमेज ऑफ जी एस साइक्लिक दैट दी होमोमार्फिक इमेज उसको आप फाइव ऑफ जी कह लें इज साइक्लिक साइक्लिक का मतलब यह है कि यह भी जो सेट है यह भी सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है यह भी क्या होता है सिंगल एलिमेंट से जो है वो जनरेट होता है अब इसके लिए हम करते क्या हैं फॉर दिस अब हम यह प्रूव करने जा रहे हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू फाइ ऑफ जी एक एलिमेंट है हमने ले लिया जो कोई भी एलिमेंट है जो किसको बिलोंग करता है वो इसकी इमेज को जो है वो बिलोंग करता है एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ फाई ऑफ जी बी एनी एलिमेंट ऑफ फाइ ऑफ जी ये फाइ ऑफ जी का हमने कोई भी एलिमेंट जो है वो कंसिडर किया है इसका मतलब ये है देन देयर एग्जिस्ट then there exists an element in G whose image is x. तो वहाँ पे लाजमी एक एलिमेंट जो है वो मौजूद होगा ठीक है जिसकी इमेज जो है इमेज अंडर फाइव इज एक्स इमेज अंडर फाई एज एक्स ठीक है जी हुज इमेज अंडर फाइव इज एक्स और यह भी हमें पता है क्या कि सेंस जी इज साइक्लिक जी क्या है साइक्लिक है साइक्लिक मैंने कहा कि जब भी साइक्लिक को कहेंगे तो साइक्लिक जनरेटेड बाई ए जनरेटेड बाई ए और ये हम इधर बात करके आ चुके हैं जी बी एज साइक्लिक जनरेटेड बाई ए तो ये हमारे पास जी एज साइक्लिक जनरेट बाय ए तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक्स हमने जो इमेज ली है इसके ये फाइ ऑफ जी को बिलोंग करती है तो लाजमी एक एलिमेंट ऐसा जी के अंदर है जिसके ऊपर फाइ ऑपरेट हुआ है तो एक्स आया है ठीक है जिसके ऊपर फाइ ऑपरेट हुआ है तो एक्स जो है वो हमारे पास आया है इसका मतलब अब यहां पे सिंस जी इज साइक्लिक जनरेटेड बाय ए इसका मतलब यह है कि जी के सारे एलिमेंट्स ए की पावर हैं जी के सारे एलिमेंट्स क्या हैं ए की पावर हैं सो ईच एलिमेंट ऑफ जी मस्ट बी सम पावर ऑफ ए सो ईच एलिमेंट ऑफ़ जी इज सम पावर ऑफ ए मैं पहले बात कर चुका कि साइकिलिक ग्रुप वो ग्रुप होता है जो सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है सिंगल एलिमेंट से जो जनरेट होता है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स उस सिंगल एलिमेंट की पावर होती हैं सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं उस सिंगल एलिमेंट्स की पावर होती हैं तो इस तरह जो है वो हमारे पास जी इज़ ए इज़ सम पावर ऑफ ए जी ए सम पावर ऑफ ए अब यहाँ पे इसका मतलब यह है कॉन्सिक्वेंटली नतीजा क्या निकला है सारी डिस्कशन का कि एक्स जो है वो ए की पावर ए, कोई एलिमेंट ए की पावर में है जी के अंदर जिसके ऊपर फाइव ऑपरेट हुआ है तो एक्स आया है दोबारा सुन लें एक्स वो एलिमेंट है जिसमें जी के जी के अंदर कोई एलिमेंट है अब कोई एलिमेंट का मतलब वो ए की पावर है तो कॉन्सिक्वेंटली फॉर सम पावर के कॉन्सिक्वेंटली फॉर सम पावर के के की पावर के लिए वही है ठीक है एक्स फिर किसके इक्वल आ जाएगा एक्स इज एकवल टू फाइव ए रेज टू पावर के एक्स इक्वल आ गया फाइव ए रेज टू पावर के के इक्वल आ गया अब इसको हम मजीद क्या लिख सकते हैं फाई ए ए टाइम्स ए अब फाई क्योंकि होमोमार्फिजम है तो इस बुनियाद पे हम इसको लिख सकते हैं फाई ए फाई ए फाइ ए एंड सो ऑन फाइ ए इसको भी मज़ीद हम क्या लिख सकते हैं ये फाइ ए रेज टू पावर के यानी कि एक्स जो है वो किसके इक्वल आ गया फाइ ए रेज टू पावर के दिस शोज दैट एक्स इज द पावर ऑफ फाइ ए ठीक है विच शोज दैट एक्स इज़ द पावर ऑफ विच शोज दैट X is a power of phi a. x a जो है वो phi a की जो है वो क्या है power है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हर element को इस तरह जो है वो show कर सकते हैं We can show that each element of phi g is some power of phi a, which shows क्योंकि हमने ये general element लिया है which shows विच शो कैन बी शोन ईच एलिमेंट ऑफ फाइ जी इज ए पावर ऑफ फाइ ए अगर हर एलिमेंट पावर ऑफ फाइव ए है तो इसका मतलब फाइव ए इज द जनरेटर ऑफ़ फाइव जी स फाइ ए इज द जनरेटर ऑफ जनरेटर ऑफ ये जो फाइ ए है ये किसका जनरेटर है फाइ जी का जनरेटर है हैंस फाइ ऑफ जी इज साइक्लिक फाइ ऑफ जी इज साइक्लिक तो यही हमें जो है वो स्टूडेंट्स प्रूव करना था